कन्नौज के कटरे गंगपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में तीन घरों में आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि खेत में खड़ी गेहूं की फसल को भी अपने चपेट में ले लिया। आग से करीब 10 बीघा फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। आग इधर लग गई। कैसे? पता नहीं, जान नहीं पाई। आप कहाँ थे जब आग लगी थी? हम घर थे। कैसे पता लगा? लेटे थे। क्या कर रहे थे उसमें जब आग लगी थी? आगे हम लेटे थे तो निकले तो कहीं आगे लग गई, तो फिर हम लोग बताने लगे। कहाँ पे आग लग गई थी? यहीं पे लग गई। क्या क्या नुकसान हुआ आग में? सदर कोतवाली क्षेत्र के कटरी गंगपुर गांव निवासी तोताराम पुत्र सेवाराम के घर में दोपहर संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। थोड़ी देर में ही आग ने विकराल रूप ले लिया। आग से खेत में खड़ी गेहूं की 10 बीघा फसल भी जलकर राख हो गई। आग की लपटों को देखकर ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, साथ ही ग्रामीणों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। आग से तोताराम महेश व सेवाराम का घर जलकर राख हो गया। साथ ही तोताराम की 2 बीघा गेहूं की फसल, अरविंद की 2 बीघा, विश्राम की 2 बीघा व बालकिशन की 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट।